हिमाचल प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक आईडी भंडारी ने 267 पन्नों की किताब मिडनाइट रेड लिखी है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 1 मई को पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक राजेंद्र सिंह बिलासपुर में विमोचन करेंगे। हिमाचल प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस महानिदेशक आईडी भंडारी ने 267 पन्नों की किताब मिडनाइट रेड लिखी है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 1 मई को पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक राजेंद्र सिंह बिलासपुर में विमोचन करेंगे। इस किताब को लेकर आईडी भंडारी का कहना है कि पुलिस अधिकारी के लिए सेवा काल के दौरान अपने कर्तव्य निर्वहन के प्रति प्रेरणा स्रोत के रूप में सिद्ध उपयोगी होगी। उन्होंने कहा कि अपने जीवन वृत्त से जुड़ी घटना को मद्देनजर रखते हुए आईडी भंडारी ने अपनी किताब में राजनेताओं के द्वारा विरोधी दलों से अपना बदला लेने के दौरान अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने का भी इसमें वर्णन किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी एक रहस्य खोला कि उन्हें प्रताड़ित करने व झूठा मामला दर्ज करवाने वाले अधिकारियों पर भी मामला दर्ज करवाया है। गौरतलब है कि आईडी भंडारी फोन रिकॉर्डिंग के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वर्ष 2013 में पुलिस महानिदेशक के पद से हटाया था। उस दौरान भंडारी पर भी फोन टेपिंग का मामला दर्ज हुआ था, मगर इस बारे में आईडी भंडारी का कहना है कि उन पर दायर मामले में वे न्यायालय में बाइज्जत बरी हुए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस के सीआईडी विंग को टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत टेलीफोन को रिकॉर्ड करने का अधिकार है, मगर उससे पहले सरकार से अनुमति ली जाती है। पुलिस उस स्थिति में टेलीफोन रिकॉर्ड करती है जब कोई मामला असामाजिक तत्वों व देश सुरक्षा से जुड़ा हो। उन्होंने कहा कि उनके साथ राजनीतिक तौर पर जो भी घटनाक्रम हुआ था उसमें ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई थी कि उन पर मामला बनता हो। जो किताब लिखी है मैंने मिडनाइट रेड और 1 तारीख को 11 बजे उसका विमोचन हो रहा है, इसमें जो फोकस है वो तो वही है जो आधी रात को शिमला में सीआईडी इंटरसेप्शन रूम पे कुछ लोगों द्वारा सरकारी मुलाजिम से चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उन्होंने दावा बोला। परंतु इसमें बेसिकली प्रेरणा दी गई है सभी को, कर्मचारियों को और अधिकारियों को, कि वो अपने जो दायित्व हैं, सरकारी दायित्व है, उसको पूरी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कानून को ध्यान में रखते हुए फाइट करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल भावनाओं में बैठकर पॉलिटिकल हस्तियों का एक मोहरा बन के आपको काम करना चाहिए। दैट इज द मेन एम ऑफ इट। मैं देखो, कानून जो है लोकतंत्र में कानून सबसे सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कुछ नहीं है और कानून के हिसाब से ही काम करना चाहिए। जब ज्यादातर हमारे कर्मचारी और अधिकारी कानून के दायरे में रह के काम करेंगे तो आधी समस्याएं हमारे समाज की खत्म हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस टाइम ये बहुत जरूरी है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो जो कानून दिया गया है, रेगुलेशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से उनको काम करना चाहिए। जो किताब लिखने का बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि उन सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरणा देना कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो उस चीज़ को फेस करने में कोई तकलीफ नहीं है, आप उस चीज़ को फेस करें, लेकर के आएंगे, परंतु डरने की बात नहीं है, ना घबराने की बात है, ना किसी इस तरह की पॉलिटिकल लोगों को मानने की बात है जो आपको उकसाते हैं, या पॉलिटिकल नहीं, कोई भी व्यक्ति जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है उसके इन्फ्लुएंस करने की जरूरत नहीं है और समाज सेवा को कानून के दायरे में रहकर ही करना चाहिए। वो इनफैक्ट डिस्चार्ज हो गया, इसमें कोई बरी होने की बात नहीं है, क्योंकि सेक्शन 39 है। अगर आप समझते हैं कि आपने कुछ नहीं गलत किया है और गवर्नमेंट या कोई इदारा आपको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करे तो आप सेक्शन 239 CRPC में डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो मेरी जो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन है वो CGM ने उसको अपहेल्ड किया और गवर्नमेंट अपील में गई और सेशन जज ने भी उसको अपहेल्ड किया और मेरे को डिस्चार्ज किया। तो मेरे ऊपर कोई केस नहीं चला है ऐसा। भंडारी साहब, क्या इस बुक को आप एक्स चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह को देना पसंद करेंगे? नहीं, सर्टनली ये तो मार्केट में अवेलेबल है, जो एनीबडी कैन बाय, और क्योंकि उनका ज़्यादा प्रसंग है तो मेरा ख्याल वो इसको पढ़ेंगे और उसका जायजा भी लेंगे, और मेरा ख्याल है ये शुड अप्रिशिएट माई एफर्ट्स कि उन्होंने सारे सिस्टम को एक्सपोज किया है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।